हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बेस्ट डे वाज यस्टरडे। इसके पीछे एक रीज़न है क्यों मैंने यही नाम सोचा अपने यूट्यूब चैनल का, क्योंकि आई एम ए प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एंड आई बिलीव कि सबसे अच्छा टाइम प्रॉपर्टी लेने का, एक रियल इस्टेट बाय करने का कल था एंड टुडे इज़ द सेकेंड बेस्ट डे। तो इसी के साथ वेलकम बैक अगेन। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे सेक्टर 102 के बारे में, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट हम कवर करेंगे पहले उस पर बात कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में, स्पेसिफिकली सेक्टर 102, सेक्टर 102 के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में, क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है द्वारका एक्सप्रेसवे में। फिर हम बात करेंगे कौन कौन से प्रोडक्ट हमारे पास सेक्टर 102 में हैं रेसिडेंशियल, ठीक है। और लास्ट में हम बात करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे के सेक्टर 102 में जो टॉप 3 प्रोडक्ट हैं मेरे नज़रिए से, और सबसे बेस्ट पॉइंट आप लोगों के लिए कि आज की डेट में 3 BHK का प्राइस, उन 3 प्रोडक्ट में जो टॉप 3 प्रोडक्ट हैं, क्या आपका प्राइसिंग चल रही है 3 BHK की। तो सबसे पहले पॉइंट है कि द्वारका एक्सप्रेस वे, आप सभी लोग को पता है जैसे कि काफ़ी टाइम से डिले चल रहा है, कुछ नेगेटिविटी थी मार्केट में द्वारका एक्सप्रेस वे को लेते हुए। मैं आपको एक आज क्लियर पिक्चर दे देता हूं द्वारका एक्सप्रेस वे की कि क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होगा। तो द्वारका एक्सप्रेस वे डिले चल रहा था लास्ट 10 ईयर से बिकॉज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, आपकी हरियाणा गवर्नमेंट की वजह से। कुछ लिटिगेशन थी आपकी एक्सप्रेस वे पे, कुछ आपका दिल्ली गवर्नमेंट के कुछ इश्यूज़ थे वहाँ पे लैंड ट्रांसफ़र को लेके, कुछ वहाँ पे ट्रीज़ को जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली है उनको लेके। तो इसके पीछे रीज़न ये था क्योंकि आपका ना जो द्वारका एक्सप्रेस वे है, इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द्वारका, जिसमें आपका 10 किलोमीटर का पार्ट आपका द्वारका में है और 18 किलोमीटर का पार्ट आपका गुड़गांव में है, ठीक है। तो 10 किलोमीटर पार्ट आप दिल्ली में आता है और 18 किलोमीटर आपका हरियाणा में आता है। तो इसकी वजह से बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम थी, 10 साल से डिले हुआ, बट अभी क्या हुआ है, कुछ 6-7 महीने पहले ये इट केम इनटू NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब NHAI ने क्या किया कि जो भी आपका NHAI में जैसे भी काम आता, ये रोड, ये एक्सप्रेस वे आया, तो उन्होंने टेंडर निकाला, टेंडर पास किया। जो गुड़गांव का पार्ट है, हरियाणा का पार्ट है, वो आपको LNT को मिला है, और जो दिल्ली का पार्ट है द्वारका का 10 किलोमीटर का, वो आपको जय कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मिला हुआ है, ठीक है। तो जो गुड़गांव का पार्ट है 18 किलोमीटर का, उसमें सब कुछ क्लियर हो चुका है, जितनी भी लिटिगेशन थी सारा काम आपका 18 किलोमीटर एकदम क्लीन है, ठीक है। जो कि आपका दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर से स्टार्ट होता है और आपका नेशनल हाईवे 48 दिल्ली जयपुर हाईवे पे एंड होता है, ठीक है। सब कुछ क्लियर थे, वहाँ पे कुछ प्लांटेशन की प्रॉब्लम थी, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गुड़गांव हरियाणा के कुछ थी, वो सब सारी परमिशन मिल चुकी है, सारे ट्रीज ट्रांसलोकेट कर चुके हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे सब कुछ क्लियर है। अब मैं बात करूँ द्वारका की, तो द्वारका में जो 10 किलोमीटर है, जो स्टार्टिंग का फेस वन है शिवमूर्ति से लेके और द्वारका 21 मेट्रो स्टेशन तक, वो पार्ट की तो सब कुछ क्लियर है, बट जो सेकंड फेस है उसका, जो द्वारका 21 मेट्रो स्टेशन से और हरियाणा बॉर्डर तक आता है, 4.7 किलोमीटर का पैच है, उसमें कुछ अभी भी प्रॉब्लम है, जो कि लास्ट अपडेट 8 मार्च 2020 की अपडेट है। वहाँ पे टोटल 6300 के आसपास ट्रीज थे, जिसमें से 4400 के आसपास ट्रीज तो ट्रांसलोकेट कर चुके हैं, बट उसमें 1900-2000 कुछ ऐसे ट्रीज़ हैं जिनमें कुछ अलग वैरायटीज़ है जो कि ट्रांसलोकेट नहीं हो सकते। तो उसके वजह से दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने परमिशन नहीं दी कि आप ये ट्रीज़ आप हटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो उस पर थोड़ा अभी फंसा हुआ है सेकंड फेज पे। जो टोटल 4 फेज हैं आपके द्वारका एक्सप्रेस वे के, सेकंड फेज दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से फंसा हुआ है, बाकी 3 फेज में सब कुछ क्लियर हो चुका है। ये तो अपडेट है अभी की, मार्च की। दूसरी जो बात है, ये प्रोडक्ट आपका जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये आपका डबल है नेशनल हाईवे 48 का, जो आपकी दिल्ली जयपुर हाईवे है, ठीक है आपका। और टोटल इन्वेस्टमेंट इसमें हो रही है 9500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है 28 किलोमीटर के पैच में, ठीक है।
आपका जो गुड़गांव का पैच है ये ऑलमोस्ट इंटायरली आपका एलिवेटेड रोड होगा, ठीक है। तो दो एग्ज़िट इसमें बनेंगे, एक आपका बब्बरपुर में जो कि आपका दिल्ली बॉर्डर से थोड़ा सा आगे जाके 4.5 किलोमीटर आगे जाके स्टार्ट होता है, और दूसरा जो आपका एग्ज़िट होगा वो होगा आपका पटौदी पे, पटौदी रोड पे। दो एग्ज़िट इसके बनेंगे। तो जैसे कि अगर कोई द्वारका से आ रहा है, अगर किसी को न्यू गुड़गांव जाना है तो उसको तो दोनों एलिवेटेड रोड लेना होगा, बट किसी को अगर सेक्टर 101-02 को ही जा रहा है तो उसको बब्बरपुर का एग्ज़िट लेके वो उसके बाद सेक्टर 102 में जा सकता है। तो ये है इसकी, ठीक है। अभी इसमें ये तो है आपके द्वारका एक्सप्रेसवे की होगी बात। अभी हम बात करेंगे सेक्टर 102 के बारे में। अच्छा, एक और चीज़, एलएनटी ने जो इसका कंस्ट्रक्शन है गुड़गांव की 18 किलोमीटर के पैच की, एलएनटी ने अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया है पूरा कि दे विल कंप्लीट इट बाय मार्च 2021 पे। मार्च की अपडेट है ये, अभी मार्च की जो 2020 का अपडेट है कि ये आपको 2021 पे मार्च में हैंड ओवर कर देंगे गवर्नमेंट को 18 किलोमीटर का पैच, ठीक है। तो अभी आप सभी को पता है कि जो सिचुएशन चल रही है, 2 महीने से 1-1.5 महीने करीबन आपका काम रुका हुआ था, बट अभी वो काम दोबारा स्टार्ट हो गया हफ्ते भर पहले, तो अभी दोबारा से काम हो चुका है स्टार्ट। तो अगर कुछ डिले होता भी है तो 1 महीने का डिले होगा मैक्सिमम, बट एलएनटी इज़ अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी, तो टाइमलाइन के अंदर ही वो कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे सेक्टर 102 के बारे में। देखिए दोस्तों, कभी भी आप अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई घर, कोई रियल एस्टेट अगर बाय करते हैं तो उसमें 2-3 फैक्टर होते हैं जो हमें देखने होते हैं, ठीक है। पहला फैक्टर होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, आपके लैंड से, आपके घर से क्या कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी में हमारे पास आती है कनेक्टिविटी थ्रू आपका रोड, कनेक्टिविटी थ्रू एयर और कनेक्टिविटी थ्रू सी। तो सी के बारे में तो बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एयर के। तो सेक्टर 102 में से और जो डिस्टेंस है आपकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की T3 टर्मिनल की 23.5 किलोमीटर डिस्टेंस से एग्जैक्ट, आप जो भी मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट्स पे, और आप रिचेक कर सकते हैं गूगल के थ्रू, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपकी एयरपोर्ट की हो गई, जो कि आज के टाइम में थोड़ा टाइम लगता है, 35-40 मिनट्स लगते हैं सेक्टर 102 से, बट द टाइम द्वारका एक्सप्रेस वे विल कम्प्लीट इट वुड ओनली टेक 15 मिनट्स टू रीच आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रॉम सेक्टर 102। पहली बात ये। अगर मैं बात करूँ कनेक्टिविटी थ्रू रोड की, तो सेक्टर 102 इज़ बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस वे, द्वारका एक्सप्रेस वे से लगता हुआ सेक्टर है 102, ठीक है। तो कनेक्टिविटी रोड की तो बहुत ही अच्छी है। अगर मैं बात करूँ आपको सेक्टर 102 से अगर दिल्ली जयपुर हाईवे भी पहुँचना है, तो इट वुड ओनली टेक आपको जो ड्राइव करनी पड़ेगी 8.2 किलोमीटर की ड्राइव है आपको, आप हीरो होंडा चौक आराम से पहुँच जाएंगे 8.2 किलोमीटर ड्राइव करके, ठीक है। जो कि सेंटर है आपका गुड़गांव का, हीरो होंडा चौक, राजीव चौक, राजीव चौक के डिस्टेंस से 9.8 किलोमीटर, ठीक है। ये तो आपकी कनेक्टिविटी थ्रू आपकी रोड की बात हो गई। अब बात करेंगे दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है, और एक और चीज़ जो मेन हब है हमारा साइबर सिटी, वो इसकी डिस्टेंस है 18.8 किलोमीटर सेक्टर 102 से, ठीक है। तो जो कि बहुत, मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन साइबर सिटी इटसेल्फ, तो वो कवर करना भी बहुत ज़रूरी था। मैं बात करूँ नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन की आज के डेट की, तो आपका द्वारका 21 मेट्रो स्टेशन है, जिसकी अगर किलोमीटर की बात करेंगे तो 14.6 किलोमीटर पर आप पहुंच सकते हैं द्वारका 21 मेट्रो स्टेशन, ठीक है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है घर लेने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा, कनेक्टिविटी के अलावा, वो होता है हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और मार्केट, ठीक है। अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूँ तो सिग्नेचर एडवांस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ से 4.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है सेक्टर 102 से, ठीक है। आपका एम्स झज्जर 12.5-12 किलोमीटर के डिस्टेंस में आता है। आपका मैदानता अगेन 12.5-13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप मैदानता ही पहुँच जाएंगे, ठीक है। और ये तो रही आपकी हॉस्पिटल्स की बात। स्कूल की बात करूँ तो 4 स्कूल आर टुडे रनिंग ऑपरेशनल, ठीक है। तो उसमें आते हैं आपके एक DPS है, एक आपका प्राइम इंटरनेशनल स्कॉलरशिप एक स्कूल है आपकी, इम्पीरियल हेरिटेज है और गुड़गांव ग्लोबल हाई स्कूल है। ये 4 स्कूल आज के डेट में सेक्टर 102 में ही रनिंग है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मार्केट्स की, तो आपका JMS का मरीन स्क्वायर एक मॉल आपका बन रहा है आज के डेट में, आपकी स्टार्ट हो चुका है बनना काफ़ी टाइम से, 6-7 महीने हो गए हैं, और अगेन आने वाले 2-2.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपका एक मॉल सेक्टर 102 में ही ऑपरेशनल होगा। दूसरा एक है ऑफिस स्पेसेस है आपका
सर्विस अपार्टमेंट है आपका, रिटेल शॉप्स वगैरह होगी, सत्या द हाइव एक और आपका सॉर्ट ऑफ मॉल टाइप में है, जिसका पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, पूरा बन चुका है, ऑलमोस्ट इंटायर प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है, वो भी आपका सेक्टर 102 में ही आता है। तो आप देखिए, आपको मॉल्स भी मिल रहे हैं, आपको ऑफिस भी, स्पेसेस भी मिल रहे हैं सेक्टर 102 में, आपको स्कूल भी आज के डेट में रनिंग है, ठीक है। आपके 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में आप बड़े बड़े हॉस्पिटल, एम्स जैसे, आपके मैदानता जैसे आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। और डिस्टेंस भी आपकी कोई दूर नहीं है, 10 किलोमीटर ड्राइव है, हीरो होंडा चौक में आप 8.5 किलोमीटर, राजीव चौक 10 किलोमीटर, ठीक है। ये दो चीज़ होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर और आपके हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और मार्केट्स। तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट होता है, अगर आपकी प्रॉपर्टी के आसपास अगर कोई टूरिज्म का सेक्टर है, कोई टूरिज्म की चीज़ें हैं, तो अगेन इट वुड बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है। और अगर टूरिज्म की बात करेंगे तो आप सभी को पता होगा कि द्वारका सेक्टर 25 में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आ रहा है, जो कि स्प्रेड है 200 एकड़्स में, और अगेन इट हैज़ बीन, यू नो, द टेंडर हैज़ बीन गिवन टू L&T। तो L&T ने इसका टेंडर जीता है और वही इसको बना रहा है, काम स्टार्ट हो चुका है आपका, और 25,304 समथिंग करोड़ का ये टोटल प्रोजेक्ट है आपका, जिसमें G20 समिट जैसे आपकी वो होंगे, ठीक है, प्रोग्राम होंगे आपके, इंटरनेशनल एक्सपोज होगी, बहुत सारी आपकी आर्ट गैलरीज में होगी, जो कि हांगकांग, संघाई की सब होती है, ठीक है। तो अगेन ये बहुत बड़ा फैक्टर है इस लोकेशन का बूम करने के लिए। अगेन जो डिस्टेंस होगी सेक्टर 102 से, वो आपकी 15 किलोमीटर पे वो डिस्टेंस आपको, आप पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो टूरिज्म आपको मिल गया, आपका अगेन सेक्टर 102 में 100 एकड़ का पब्लिक हुड्डा पार्क भी वहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट डेवलप करेगी। आप 2031 का एक मास्टर लेआउट है, जो कि हरियाणा ने अपने DTCP डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की साइट में जाके वहाँ पे है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे आपका ये 102 सेक्टर में ये पार्क कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर आपको रीचेक करना है, 100 एकड़ का पूरा पार्क है, हरियाणा गवर्नमेंट को डेवलप करेगी, ठीक है। ये तो रही बात हमारी सेक्टर 102 की। अब देखिए, सेक्टर 102 में ना, एक तो कोई भी वहाँ पे विलेज नहीं है, कोई वहाँ पे रेवेन्यू रोड नहीं है, कोई वहाँ पे कोई ड्रेनेज का तरीके से कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ आपका ड्रेनेज हो, कुछ लेक टाइप में हो, कुछ भी आपका ख़राब कुछ पार्ट हो, कुछ अलग सा पार्ट हो। तो वहाँ पे सेक्टर 102 में पूरा क्लियर पार्ट है, कुछ नहीं वहाँ पे, मतलब गांव जैसा कुछ भी नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे बहुत क्लीन सेक्टर है, उसमें अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ, कौन कौन से प्रोडक्ट उसमें हैं, तो हमारे पास सेक्टर 102 में इमार की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक आपका इमार गुड़गांव ग्रीन्स, एक आपका इमार इंपीरियल गार्डन, रेडी टू मूव इन प्रोडक्ट है। आपका अदानी का एक प्रोडक्ट है ओइस्टर ग्रैंड, वो भी आपका रेडी टू मूव इन है। कॉन्सेंट हाइंस का एक प्रोडक्ट है हेरिटेज मैक्स, वो भी आपका रेडी टू मूव इन है। आपका BPTP के लो राइज अपार्टमेंट विलास है, जो कि थोड़ा सा अभी रेडी टू मूविंग तो नहीं है, बट कुछ टाइम में हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम्स थी चल रही थी, जो कि अभी सॉर्ट आउट तरीके से काम कर रहे हैं BPTP, तो वो देखते हैं कब तक कंप्लीट होता है। बाकी एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है सापुरजी पलुंजी की, ठीक है, दो अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल सोसाइटी व्हेन इट विल कंप्लीट, ठीक है। तो ये कुछ 6-7 प्रोडक्ट हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट हैं वहाँ पे, और सापुरजी पलुंजी के अलावा सारे प्रोडक्ट आपके रेडी टू मूव इन पे, ठीक है। तो जब सबकी फैमिली, हर सोसाइटी में मेरे ख्याल से गुड़गांव ग्रीन्स में मोर देन 150+ फैमिलीज रहती है, इंपीरियल गार्डन में अगेन 100+ फैमिलीज आ चुकी है, अदानी में बहुत और काफ़ी फैमिलीज आ चुकी है, कॉन्सेंट हाइंस में काफ़ी फैमिलीज रहती हैं। तो ये सिर्फ मैं सेक्टर 102 की ही बात कर रहा हूँ। अब जो मेन पॉइंट है कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आज के डेट में मार्केट पे, तो मेरे अगर मैं अपना एनालिसिस करूं, जो मेरे बेस्ट 3 प्रोडक्ट होंगे, नंबर 3 पे आता है गुड़गांव ग्रीन सिमार का, ठीक है। बेहतरीन सोसाइटी है आपकी, 13.5 एकड़स के लैंड पार्सल में, और सबसे इसका एक USP पॉइंट है, इसके एक फ्लोर में 2 अपार्टमेंट है, ठीक है। तो आपका वेंटिलेशन की प्रॉब्लम, आपका सूरज की रोशनी की प्रॉब्लम कुछ यहाँ पे नहीं आएगी आपको, एक फ्लोर में 2 अपार्टमेंट है, आराम से बहुत अच्छे तरीके से वेंटिलेशन रहेगा, ठीक है। ज़्यादा लो डेंसिटी प्रोडक्ट है ये बहुत। तो जो मेन पॉइंट है आपको बता रहा था मैं, कि आज के डेट में 3 BHK का 1650 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट इसके अंदर, जो कि 3 BHK प्लस सर्वेंट क्वार्टर है, 88-89 लाख रुपीज़ में आपको अभी लॉकडाउन के समय में ट्रेड मिल जाएगी, आपको डील मिल जाएगी अच्छी, ठीक है। ये तो आपकी मतलब की एक बात हो गई। जो सेकंड नंबर पे मैं प्रोडक्ट ट्रेड करूँगा, मतलब जो मेरे तरफ से मैं एनालिसिस किया है,
सेक्टर 102 का, वो है शाहपुरजी पलोंजी जॉय विले। शाहपुरजी पलोंजी जॉय, शाहपुरजी पलोंजी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, इट्स अ लिस्टेड ऑर्गेनाइजेशन, और माइवन सेटरिंग पर ये प्रोजेक्ट बना रही है। बेहतरीन आपका लेआउट, बेहतरीन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, बहुत अच्छे से प्लांटेशन आपकी इन्होंने करी है, बहुत तरीके के फ्लावर्स और सारी चीज़ें इसके अंदर डेवलप ये करने जा रहे हैं। शाहपुरजी पलोंजी एक अपने आप में बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। शाहपुरजी पलोंजी ने आपका स्टोन पैलेस भी बनाया है सल्तनत ऑफ ओमान का, ठीक है। तो ये कुछ बाराखंबा मेट्रो स्टेशन है जो आपका, वो भी शाहपुरजी पलोंजी ने बनाया है। साइबर सिटी आपका अगेन शाहपुरजी पलोंजी ने बनाया है, जो हम DLF के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जितनी भी आप मतलब बहुत कमर्शियल बिल्डिंग, बहुत कुछ डेवलप किया शाहपुरजी पलोंजी ने। शाहपुरजी पलोंजी का बहुत बड़ा हाथ रहा है इंडिया को एक रियल इस्टेट क्षेत्र में आगे पहुँचाने का। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है आने वाले टाइम में, जब भी 2-3 साल बाद इसका कंप्लीटिंग टाइम है, 2-3 साल आज से जब भी कंप्लीट हो जाएगा, इट विल बी अ नंबर वन प्रोडक्ट आई बिलीव इन यू नो सेक्टर 102, एक करोड़ 2-1.3 लाख रुपए की रेंज में, ठीक है। जो मेरा आज की डेट में, अभी के आज की करंट सिनेरियो में बात करूँ, तो जो मेरा सबसे अच्छा प्रोडक्ट, जो मुझे खुद ही एक मतलब है कि मैं वहाँ पे एक प्रॉपर्टी बाय करूं, वो है इमार का इम्पीरियल गार्डन। बेहतरीन लेआउट, 2000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, 3 BHK प्लस फैमिली लॉन्च प्लस सर्वेंट क्वार्टर, ठीक है। ट्रेडिंग अगर मैं बात करूं, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। 1 करोड़ 14 लाख 1 करोड़ 15 लाख में आपको इतना बड़ा साइज 2000 स्क्वायर फीट का लेविस अपार्टमेंट मेरे ख्याल से द्वारका एक्सप्रेस वे में नहीं कोई दे सकता आपको, जिस तरीके की आज की मार्केट है, जैसा सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के हाथ में अगर आप ये प्रोडक्ट लेते हैं तो, ठीक है। आप कहीं भी जाके देखिए, किसी बिल्डर को देखिए, 2000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट इस रेट पे तो ट्रेड नहीं होगा। और रेट की बात तो आप छोड़ो, आप बात करो जिस तरीके का प्रोडक्ट बनाया गया ना, क्या लैंडस्केपिंग है उसकी, बेहतरीन लैंडस्केपिंग है। मैं आपको जो भी प्रोडक्ट आपका देख रहे हैं, जो भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं गुड़गांव में, एक बार इमार इम्पीरियल गार्डन जाके ज़रूर देखिएगा आप, बहुत शानदार सोसाइटी है। तो ये मेरी तरफ से था। हाँ, एक और चीज़, इसमें जो 3 BHK का अपार्टमेंट है आज के रेट में जो ट्रेड आपको मिल सकती है, वो 1 करोड़ 10-1 करोड़ 11 लाख में आपको 2000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट इसमें मिल जाएगा, नॉन पार्क फेसिंग। तो ये है मेरी तरफ से आज के लिए। आई होप आपने ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, माई नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और जो भी आपको मेरी फर्स्ट वीडियो में कुछ ऑडियो वीडियो क्वालिटी की कुछ प्रॉब्लम थी, मेरे ख्याल से इसमें वो नहीं आई होगी। प्लीज़ बताइएगा कोई भी इशू, कोई भी आपको लगे कि और हम अच्छा कर सकते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं, प्लीज़ कमेंट बिलो। आई वुड बी रियली हैप्पी टू यू नो टेक योर फीडबैक्स, और इट इज़ रियली 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 यू नो नाइस टॉकिंग टू यू गाइस। और प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे होम। मैं भी ये वीडियो घर से ही ऑपरेट कर रहा हूँ, तो आई एम इन माय होम टाउन उत्तराखंड कोटद्वार। मुझे भी बहुत जल्दी है अभी कि मैं गुड़गांव आऊँ, जल्दी फिर से हम दोबारा काम स्टार्ट करें। हर एक प्रॉपर्टी डील हम करते हैं तो इट वुड बी रियली रियली यू नो एक्साइटेड फॉर अस, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन करने पे हम बहुत बड़ा योगदान देते हैं इंडियन इकोनॉमी पे। आप लोग खुश होते हैं, हमारी यू नो हम खुश होते हैं, हमारे मैनेजर, हमारी कंपनी चलती है, बिल्डर चलता है, बिल्डर के लेबर उस यू नो एक ट्रांजेक्शन से उनके पॉकेट में पैसा आता है, बैंक से आप लोन लेते हैं, बैंक का एम्प्लॉय, बैंक की यू नो मार्केट बढ़ती है। तो एक ट्रांजेक्शन करने से आपको खुद नहीं पता आप कितने लोगों को फ़ायदा करते हैं, ठीक है। तो डू बाय रियल इस्टेट, यू नो डू इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट। आपको रियल इस्टेट को पैसा, टाइम, और अगर आपको रियल इस्टेट में पैसा लगाना है, आपको मिनिमम यू हैव टू वेट 5 ईयर्स। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि अगर किसी ने 5 साल रियल इस्टेट में वेट किया हो, 5-6 साल वेट किया हो, और उसने अपना प्रॉपर्टी की वैल्यू, उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरी हो, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से, और मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी अगेन द्वारका एक्सप्रेस वे पे, और वो वीडियो रहेगी Top 5 Products ऑफ द्वारका एक्सप्रेस वे, सेक्टर 99-100 से स्टार्ट होते हुए और सेक्टर 114-115 तक के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। उसमें से मेरे क्या Top 5 Products हैं मैं आपको लिए लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और थैंक यू सो मच।